गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल न्यूज की। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एमओयू, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, तो उसकी बात करेंगे। इसमें क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ एक एमओयू साइन हुआ है कि जो एनसीईआरटी है वहां पर क्लास सिक्स और क्लास ट्वेल्थ तक सभी बुक्स में इलेक्शन के रिलेटेड जो नॉलेज है, वोटर एजुकेशन हो, इलेक्टोरल लिटरेसी हो, वो एनसीईआरटी के करिकुलम में ऐड की जाए। और उसके बाद जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स होंगे उनको भी ये चीज के लिए एडवाइस किया जाएगा कि आपको भी ये चीज फॉलो करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। ये जो राइट है एजुकेशन का, सॉरी जो वोटिंग का, ये हमारे संविधान के द्वारा आर्टिकल 326 में प्रोवाइड किया गया है। करंटली इंडिया में क्या एज है, 18 जो एज है मिनिमम की, 18 साल वाला जो अडल्ट है वो वोट पोल कर सकता है। पहले ये एज होती थी 21 साल, जो कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 ने कम करके 18 इयर्स कर दी थी। आगे बात करते हैं एनकोर की। ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही एक सॉफ्टवेयर है जिसकी फुल फॉर्म है इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। इसके अंडर क्या किया जाएगा, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कैंडिडेट और इलेक्शन मैनेजमेंट की जाएगी कंप्लीट, चाहे वो कैंडिडेट की नॉमिनेशन हो, एफिडेविट, वोटर टर्नआउट, काउंटिंग रिजल्ट, डेटा मैनेजमेंट, कुछ भी हो। एनकोर काउंटिंग एप्लीकेशन जो है एंड टू एंड एप्लीकेशन है रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए, जिसमें वो जो डेटा है डिजिटाइज्ड फॉर्म में जो इसमें इनरोल कर सकेंगे, जो डेटा है उसको टेबुलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे टेबल्स में फॉर्म में, और उसके बाद जो भी काउंटिंग हुई है वोटिंग की वो रिपोर्ट कर सकेंगे। आगे बात करते हैं स्वीप की। ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। स्वीप के फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसमें भी क्या है, वोटर एजुकेशन, वोटर अवेयरनेस वगैरह जो है लोगों को बताने के लिए, और वोटर लिटरेसी जो है वो प्रमोट करने के लिए काम किया जाएगा। आगे है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। ये वर्ल्ड फूड इंडिया का सेकेंड वर्जन था। पहला जो एडिशन हुआ था वो 2017 में हुआ था। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 जो है ये रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, जिसका इस बार का फोकस पिलर था एक्सपोनेंशियल फूड प्रोसेसिंग पोजीशनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल हब। तो इंडिया को क्या है कि ग्लोबल हब की तरह, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड की तरह शोकेस करना। और ये जो है वर्ल्ड फूड इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने ऑर्गेनाइज किया था 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह सेलिब्रेट करने के लिए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के एक पार्ट, इसी प्रोग्राम के एक पार्ट की तरह इंडिया मिशन टू आसियान एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने भी आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। कहां पर, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कहां पर, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 22 से 26 नवंबर के बीच में। आसियान की अगर बात करें, इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसके मेंबर नेशंस 10 है। 11th जो मेंबर है वो अप्रूव हो चुका है, जब भी वो फॉर्मली अभी 10 मेंबर्स हम वो बोलते हैं, कौन कौन से, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई दारुसलम। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं ऑपरेशन शीशा की, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया। फेज 4 है ये ऑपरेशन शीशा का। ये इंडियन कस्टम्स का एक ऑपरेशन है इन कोलैबोरेशन विद रीलो एशिया पैसिफिक एंड रीलो मिडल ईस्ट। इसमें क्या है, टिम्बर की, लकड़ी की इलीगल ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, जिसमें रेड सेंडर्स भी इंक्लूडेड है। जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि रेड सेंडर्स की इलिसिड इलीगल ट्रेड के साथ साथ जो बाकी का फ्लोरा और फोना है उसको भी प्रिजर्व किया जाएगा इस ऑपरेशन के तहत। आगे बात करते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की। ये क्या है, UCCN। इसमें इंडिया की दो सिटीज को रिसेंटली ऐड किया गया है, एक तो है ग्वालियर, एक है कोझिकोड। ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में है, जिसको सिटी ऑफ म्यूजिक भी बोला जाता है। ये ग्वालियर घराना ऑफ म्यूजिक, जो कि ओल्डेस्ट हिंदुस्तानी म्यूजिकल घराना है, उसका बर्थ प्लेस भी इसको माना जाता है। दूसरी तरफ कोझिकोड की बात करिए, केरला में है, इसको सिटी ऑफ लिटरेचर का नाम दिया गया। जो कोझिकोड है ये परमानेंट वेन्यू भी है सालाना केरला लिटरेचर फेस्टिवल का, और बहुत सारे बुक फेस्टिवल्स हैं जो केरला के कोझिकोड में होते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें UCCN की, ये 2004 में क्रिएट किया गया था।
अगर किसी भी शहर को यूसीसीएन टैग मिलता है तो ग्लोबल लेवल पर उसको रिकॉग्निशन मिलती है और वहां का जो टूरिज्म है वो भी प्रमोट होता है। नेचुरली अगर किसी सिटी का पूरे ग्लोब में नाम होगा तो वहां पर क्या है, अलग अलग जगह से टूरिस्ट भी आएंगे। यूनेस्को की अगर बात करें, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये स्थापित हुआ था 1945 में। इसका मेन एम क्या है, पीस को, कल्चर को मोटिवेट करना, शांति बनाए रखना, गरीबी को हटाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करना, एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन के थ्रू इंटर कल्चरल डायलॉग को प्रमोट करना। यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हैं। आगे बात करते हैं वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म की, जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन का है, ये लॉन्च करेंगे। इसके अंडर क्या होगा, जो डॉक्टर्स, जो मेडिकल अंडर ग्रेजुएट है, फॉर एग्जाम्पल जो MBBS कर रहे हैं या कोई भी अंडर ग्रेजुएट है डॉक्टर्स के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, तो उनको क्या है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। जब उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा वो जो ID है अनमास्क कर दी जाएगी और उनको अलॉट की जाएगी। उस ID में जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स होंगे वो उनकी जो डिटेल्स है वो वहां पर वो एक्सेस कर सकेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विजन इंडिया @2047 प्लान। ये नीति आयोग जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने ये बताया है कि जो विजन डॉक्यूमेंट है ये 2023 के दिसंबर तक बन जाएगा। इसका एम क्या है, इंडिया को 2047 तक $30 trillion इकोनॉमी, एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना और इंश्योर करना कि इंडिया जो है मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंसे। 2047 तक इंडिया डेवलप्ड नेशन बन जाए। जो भी चीजें जरूरत है इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए, वो सारी चीजें इसमें चेंजेस रिफॉर्म्स जो है वो इस विजन डॉक्यूमेंट में बताई जाएंगी। आगे है नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम। ये EESL का है, जिसकी फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इसमें क्या किया है, इंडक्शन बेस्ड जो कुक स्टोव होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इंडक्शन प्लेट वाले कुक स्टोव होते हैं, वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। इससे क्या फायदा होगा, एक तो ये कॉस्ट सेविंग भी है ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड से, दूसरी ओर इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, पॉल्यूशन कम होता है, लोगों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसके अंडर 20 लाख इंडक्शन कुक स्टोव जो है डिप्लॉय किए जाएंगे और इसमें उनका एम यही है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है जो कुकिंग मेथड्स का वो कम करना है। नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी की जो मेन इम्प्लीमेंटेशन आर्म है वो है EESL, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी एक मिशन है जो कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोस्टा सिरेना की। कोस्टा सिरेना जो है ये रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटर सर्बनंदा सोनोवाल जी ने लॉन्च किया। ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है और ये मुंबई में लॉन्च किया गया है डोमेस्टिक सेलिंग के लिए। ये जो क्रूज इनिशिएटिव्स है ये देखो अपना देश इनिशिएटिव का पार्ट है। देखो अपना देश क्या है, इंडिया में टूरिज्म को बूस्ट करने का एक कैंपेन है। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस की। सो जो इंडिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस है, रिलायंस जियो ने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें एम क्या है इसका, कि जो भी इंडिया के फार फ्लंग एरियाज है, रिमोट एरियाज है, जहां पर हाई स्पीड इंटरनेट नहीं मिलता, वहां पर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस पहुंचाना। तो यही है कि रिमोट एरियाज में भी लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट मिले। नेक्स्ट है मिट्टी कैफे। इसकी मैं अब आपको इनॉग्रेशन की पिक्चर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट के आगे की पिक्चर है। ये जो येलो जो ड्रेस में है ये सारे मैनेजमेंट करते हैं मिट्टी कैफे। सो मिट्टी कैफे जो है ये जो डिसेबिलिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है वो मैनेज करते हैं। इसके अंदर जो भी लोग, चाहे कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, सेरिब्रल पाल्सी है, कोई फिजिकली मेंटली एंड साइकेट्रिक डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, उनको क्या है ट्रेनिंग दी जाती है, रोजगार दिया जाता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। मिट्टी कैफे की स्थापना एलिना एलम ने की थी 2017 में। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने में मिट्टी कैफे जो है लॉन्च किया गया है। आगे दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इन्होंने MOU साइन किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करने के लिए। इसके अंडर क्या किया जाएगा, सिडबी के साथ ये MOU साइन हुआ है। जो वमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको, जो उनकी प्रमोशन के लिए एज एन एंटरप्रेन्योर मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर फोकस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के विद इन जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स है
वो इम्प्लीमेंट करने, जो रिलायबल और सेंसिटिव सपोर्ट आर्किटेक्चर है वुमेन लेड एंटरप्राइजेस के लिए वो इस्टेब्लिश करना, कैपेसिटी बढ़ानी, क्षमता बढ़ानी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशंस की, सो दैट जो सीजनड सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं उनको माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स में प्रमोट किया जाए। सिडबी की अगर बात करें, इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आईडीबीआई बैंक की एक होली ओन्ड सब्सिडरी की तरह काम करती है। इसका मेन एम क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम करना। सिडबी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, स्टेट्यूटरी बॉडी होती है जो किसी एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश की जाती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की अगर बात करें, एक फ्लैगशिप पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, गरीबी हटाओ मिशन है गांव के एरियाज में, जिसके लिए कौन से मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है जल दिवाली वमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वमेन कैंपेन, इसके एनडीए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का कैंपेन है जो कि अमरूद के अंडर लॉन्च किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, शहरी एरियाज को रिजुविनेट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जल दिवाली कैंपेन का एम क्या है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना सो दैट वुमेन को इंक्लूड किया जाए वाटर गवर्नेंस में, उनको नॉलेज प्रोवाइड की जाए वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस की, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पर उनको विजिट करवाया जाए, वाटर क्वालिटी पर उनको इन्फॉर्मेशन वगैरह दी जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पुसा 2019। अब क्या होता है, जो पराली जलाई जाती है, जो स्टबल बर्निंग होती है, उसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में काफी जो पोल्यूशन देखने को मिला, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि स्टबल बर्निंग को जल्दी से जल्दी जो है उसको बंद करना चाहिए, स्पेशली जो नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान वगैरह। तो तभी ये डिस्कशन हुई थी कि पूसा 2090 राइस की वैरायटी है, चावल की वैरायटी है, जो कि पूसा 44 और सीबी 501 को ब्रीड करवा के इनका क्रॉस वर्जन जो है वो डेवलप किया गया है, ये किया है IARI ने डेवलप, एक अर्ली मेच्योरिंग जेपोनिका राइस लाइन है। अब इसमें क्या होगा, अर्ली मेच्योरिंग का क्या मतलब है कि बीजने से लेकर फसल की कटाई तक जो टाइम है वो पूसा 44 या सीबी 501 से कम लेगा। उससे क्या होगा, अगर कम टाइम में राइस जो है उसकी खेती तैयार हो जाएगी तो आगे जो वीट है या जो रबी क्रॉप्स जब उगानी है उसके लिए बीच में उनको टाइम जो है सफिशिएंट मिल जाएगा। तो हम स्टबल को आग लगाने से जो है वो हमारे पास ऑप्शन, एक ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा, वो खेत ऐसे ही हम छोड़ सकते हैं, जिससे क्या है वो खुद ब खुद वो मेन्योर बन जाएगी, मिट्टी में चली जाएगी जो स्टबल होता है, और उसको जलाने की जरूरत नहीं होगी। पूसा 2090 जो एक वैरायटी है 120 और 25 दिन में जो है मैच्योर हो जाएगा, और इसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी, यील्ड अच्छी होगी, और स्टबल बर्निंग के इश्यू को भी हम एड्रेस कर पाएंगे। देन है कृषि 24/7। ये क्या है, ये फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सॉल्यूशन है ऑटोमेटेड एग्रीकल्चरल न्यूज मॉनिटरिंग और एनालिसिस के लिए। अब इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे किसान है उनको क्या करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, उन्होंने गूगल और एक एनजीओ के साथ कोलेबोरेट किया है कृषि 24/7 जो डेवलप करने के लिए। एग्रीकल्चर के रिलेटेड न्यूज वगैरह हो गई उसको मॉनिटर किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, जिसकी वजह से जो जिसकी हेल्प से किसान जो है चीजें ज्यादा अच्छे से टेकल कर पाएंगे, डैमेज वगैरह नहीं होगा क्रॉप का। आगे बात करते हैं PMPVTG की, जो कि रिसेंटली 15 नवंबर को लॉन्च हुआ है। PMPVTG डेवलपमेंट मिशन प्रोग्राम का एम क्या है, जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करना। पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कौन से हैं, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कबीले के लोग हैं, उसमें भी आगे ऐसे ग्रुप जो वल्नरेबल हैं उनको क्या किया जाएगा, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, जैसे सेफ हाउस हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, रोड्स को एक्सेस कर सके वो उनको किया जाएगा, प्रोविजन इनमें दी जाएगी। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने जो है 75 ट्राइबल ग्रुप्स को 18 स्टेट्स और हमारी यूटीज की जो है उसको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में एक लिस्ट किया था। पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वही है जो मोस्ट वल्नरेबल है कबीलों में, और 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव इसीलिए लिया था कि हमें पता चले कि जो शेड्यूल ट्राइब है उसमें भी हमें ज्यादा काम किस पर करने की जरूरत है।
आगे है आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है, जिसकी आप यहाँ पे पिक्चर, लोगों की पिक्चर देख सकते हो। इसमें क्या है, ये डैशबोर्ड जो है ये डेटा जो शोकेस करेगा 5 ब्रॉड पिलर्स में, कौन कौन से यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस, प्लानिंग, सिटीजन सेंट्रल गवर्नेंस एंड डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज। तो बेसिकली क्या है, सिटीज में बेसिक सर्विसेज की जो प्रोविजन है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वगैरह हर चीज को के बारे में डेटा शोकेस करेगा। आईना डैशबोर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, शहरों को हेल्प करना वो देखने के लिए कि वो कैसे दूसरे सिटीज के कंपैरेटिवली क्या उनकी प्रोग्रेस वगैरह है, और उनको इंस्पायर किया जाएगा कि जहां पर भी इम्प्रूवमेंट की एक जो रूम है तो वो क्या है, इम्प्रूवमेंट वहां पर की जाए, सो दैट हम बेस्ट एक्सपीरियंस दे सके अर्बन लाइफ का सिटीजन्स को। देन है ग्लोबल साउथ समिट, ये रिसेंटली इंडिया ने होस्ट की है, ये इसका वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का। ग्लोबल साउथ क्या है, एक टर्म है जो कि ऐसे देशों को दिखाती है जो कंपैरेटिवली ग्लोबल नॉर्थ के जो है कम डेवलप्ड है। ये जो लाइन है, ये लाइन जो है इसीलिए ड्रॉ की जाती है, ये जो एरिया है इसके नदरन में ग्लोबल नॉर्थ है और ये जो एरिया है ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ से कम डेवलप्ड है, और इसमें कौन से एरियाज आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका होंगे, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सारा। इंडिया जो है ग्लोबल साउथ के लिए काफी ज्यादा आवाज उठाता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी ध्यान रखना है आपको। देन है अग्नि, अग्नि की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, जो कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंसेस का है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर वो लाई करती है। इसके लिए जो भी फिजिशियंस आयुर्वेदा के फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जिसका एम क्या है, रिसर्च को प्रमोट करना आयुर्वेदा में साइंटिफिक वैलिडेशन और एविडेंस बेस्ड अप्रेजल के थ्रू। देन बात करते हैं, रिसेंट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने बोला है कि जो CBG है, कंप्रेस्ड बायोगैस, उसको ब्लेंड किया करना है किसके लिए, CBG की प्रोडक्शन और कंजप्शन को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा जो CBO है, CBO क्या है, एक ऑब्लिगेशन है जहां पर CBG जैसे फ्यूल्स को मिक्स करना है, ब्लेंड करना है, सो दैट हम पेट्रोलियम को डिस्प्लेस कर सके। CBG जो है कंप्रेस्ड बायोगैस, ये एक एनर्जी रिच गैस है जो कि एनएरोबिक डिकम्पोजिशन के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है बायोमास की, जैसे बायोमास क्या क्या, जैसे एग्रीकल्चर रेजिड्यू, कैटल डंग, शुगर केन, प्रेसमेट वगैरह हो गया। इसमें मेन मीथेन है, मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है, CH4, जो कि ग्लोबल हाउस गैस भी है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया के भी कुछ लेवल्स हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कंप्रेस्ड बायोगैस और CNG जो है, कंप्रेस्ड बायोगैस को CNG में ये ब्लेंड करेंगे और PNG में भी, जो डोमेस्टिक सेगमेंट में यूज होता है। आगे बात करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइस एक्सेलरेटर प्रोग्राम की। राइस की क्या फुल फॉर्म है, रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। इसके अंडर इंडिया की साइड से अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग का है, और ऑस्ट्रेलिया की साइड से नेशनल साइंस एजेंसी, इन दोनों ने ये लॉन्च किया है। ये क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को सपोर्ट करेगा। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, ऐसी इकोनॉमी जहां पर प्रोडक्ट्स को उसको स्क्रैप करने की बजाय रीयूज करने पर फोकस करता है, इंसेंटिव देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास कोई चीज है, आपने थोड़ा टाइम उसको यूज करके फेंकना नहीं है, उसको किसी और वे में रीयूज करना है, तो सर्कुलर इकोनॉमी इस कंसेप्ट पर बेस्ड होती है। तो ये ध्यान रखना है कि सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप्स और स्मॉल टू मिड साइज एंटरप्राइजेस जो है सर्कुलर इकोनॉमी में, उनको सपोर्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की साइड से राइज एक्सेलरेटर प्रोग्राम। देन है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये क्यों न्यूज में था, राइट टू इन्फॉर्मेशन या RTI एक्ट जो है, ये एक ऐसा एक्ट है जिसके अंडर पब्लिक अथॉरिटी से सिटीजन्स जो है इंडिया के, वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, और उनके पास 30 डेज का टाइम होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है CERT-IN, उसको एग्जम्प्ट किया है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से। अब इसका क्या मतलब है कि जो CERT-IN है ये RTI एक्ट के अंडर अब नहीं आती। CERT-IN जो है वो RTI एक्ट के अंडर इन्फॉर्मेशन देखने के लिए जो मैंडेटरी नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ने एक नोटिफिकेशन इशू की है RTI एक्ट 2005 के सेक्शन 24 क्लॉज 2 के अंडर, और CERT-IN को RTI एक्ट के सेकेंड स्केड्यूल में ऐड किया है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है।
अब से क्या है, सर्टेन आरटीए एक्ट के अंडर नहीं आएगा। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन की 2024 के लिए, जो कि इंडिया को सिलेक्ट किया गया है, इंडिया चेयर बनेगा 2024 के लिए इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, सबसे ज्यादा शुगर कंज्यूम करता है पूरी दुनिया में, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। अब हमारे दो हेमिस्फीयर है, एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एक है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ब्राजील लीडिंग कंट्री है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लीडिंग कंट्री है। टॉप शुगर के प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी है इंडिया में? यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, ये यूनिक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1968 में एस्टैब्लिश हुआ था, जो कि शुगर के अलग अलग एस्पेक्ट्स को एडमिनिस्टर करती है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा, इंटरनेशनल शुगर एग्रीमेंट के थ्रू। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स है यूके के लंदन में, तो सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। देन बात करती है, रिसेंटली नेशनल कैश्यू डे पर अपेडा ने, यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, कैश्यू के एक्सपोर्ट को काजू के एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट किया था इंडिया से चार देशों में। कौन कौन से? बांग्लादेश, कतर, मलेशिया और यूएसए, चारों के आपको नाम याद रखने हैं। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है कैश्यू नट्स का, यानी कि काजू का। जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या एक्सपोर्टर है वो है कोट डी आइवियर। इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस कौन सी है, यानी कि इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहाँ करता है? यूएई, नीदरलैंड, जापान और सऊदी अरेबिया में। इंडिया में कैश्यू सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली हमने संत मीराबाई जी की 525th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने भी पार्टिसिपेट किया यूपी के मथुरा में। मीराबाई जो है ये भक्ति मूवमेंट के ग्रेट सेंट पोएट हैं। ये सगुन भक्त थी और ये लॉर्ड कृष्णा की भक्ति करती थी और लॉर्ड कृष्णा को अपने हस्बैंड मानती थी। संत रविदास जी की ये शिष्य थी। संत रविदास जी जो है काफी फेमस एक स्कॉलर हुए हैं, पोएट हुए हैं। जो मीराबाई है उन्होंने अपनी पोएम्स जो है वो हिंदी और ब्रज भाषा के राजस्थानी डायलेक्ट में कंपोज की थी, जिनमें से उनकी मेन जो पोएम्स है वो है मेरे तो घिविदार गोपाल पायो जी मेरे मैंने राम रतन धन पायो। तो ये पोएम्स के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। सबसे पहले है इंडिया बांग्लादेश के तीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में। इंडिया और बांग्लादेश के तीन जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं कौन कौन से? अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, दूसरा है खुलना मोंगला रोड रेल लाइन, तीसरा है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट 2। तो ये जो तीन प्रोजेक्ट है ये इंडिया और बांग्लादेश में रीजनल कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव करेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी भी इम्प्रूव करेंगे। जो पहला प्रोजेक्ट है अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये कोलकाता है, ये यहाँ से जो है यहाँ पर है अगरतला, तो अगरतला से जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, क्रॉस बॉर्डर ट्रेन प्रोवाइड करेगा अगरतला और कोलकाता में ढाका के थ्रू, और इससे क्या होगा, जो ट्रेवल टाइम है वो भी कम होगा। सेकेंड है खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन प्रोजेक्ट। इसमें क्या है, 65 किलोमीटर की वाइड गेज रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी मोंगला पोर्ट और खुलना रेल नेटवर्क के बीच में। तीसरा है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये एक सुपर थर्मल पावर प्लांट है बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल में। इसकी कंप्लीशन से क्या होगा, बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो इम्प्रूव की जाएगी। आगे है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रिसेंटली केमेन आइलैंड को ग्रे लिस्ट से रिमूव किया है। ग्रे लिस्ट में उन देशों को जो है एफएटीएफ डालती है, जो कि एफएटीएफ की जो प्रोविजंस है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग को लेकर या प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर, वो उनको जुरिस्डिक्शंस को नहीं मीट करते। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इन्होंने रिसेंटली बुल्गारिया को ग्रे लिस्ट में ऐड किया था और केमेन आइलैंड को रिमूव कर दिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सेट करती है मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए। एफएटीएफ के हेडक्वार्टर्स है फ्रांस के पेरिस में, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसकी आपको लोकेशन मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये जो आपको स्क्वायर से दिखाया गया है केमैन आइलैंड्स है, ये कैरेबियन सी में है।
इधर पैसिफिक ओशियन है, इधर अटलांटिक ओशियन है, इधर गल्फ ऑफ मेक्सिको है, ये यूएस हो गया, ये मेक्सिको हो गया, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे है ब्लेचली डिक्लेरेशन। ब्लेचली डिक्लेरेशन जो है ये दुनिया का पहला अग्रीमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जो कि यूनाइटेड किंगडम के रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट में साइन हुआ है। ब्लेचले पार्क के नाम पे इस डिक्लेरेशन का नाम रखा गया है। ये जो है ब्लेचले पार्क, ये ब्रिटेन के कोड ब्रेकिंग सेंटर की तरह जाना जाता है दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पे। ये डिक्लेरेशन यूरोपियन यूनियन और 28 और देशों ने साइन किया है, जिसमें यूएसए, इंडिया, यूके, चाइना, फ्रांस, सऊदी अरेबिया और यूएई सभी शामिल है। आपको क्या ध्यान रखना है कि ब्लेचले डिक्लेरेशन का इंडिया पार्ट है। आगे बात करते हैं लीगल आइडेंटिटी एंड राइट्स बेस्ड रिटर्न मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस की। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा कंडक्ट की गई थी यूनाइटेड नेशन सिटी इन कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क में है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अकॉर्डिंग 1 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में जो अभी भी लीगल आइडेंटिटी लैक करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का एम क्या है? जो देश जहां से कोई भी इंसान ओरिजिन, जहां पर उसका बर्थ हुआ और जो जहां पर वो माइग्रेट करके गया, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में रहते हो और आप कैनेडा मूव हो गए, तो आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन हो गई इंडिया, आपकी डेस्टिनेशन हो गई कैनेडा, तो उनको जो है कंट्री ऑफ ओरिजिन से और कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन के बीच में डायलॉग को फैसिलिटेट करवाना किसी भी लीगल आइडेंटिटी के द्वारा जो लोग मूव करते हैं उनके लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन है इस्थमस ऑफ करा लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट। इसका भी मैं आपको पहले मैप में दिखाती हूँ। ये है इस्थमस ऑफ करा, यहाँ पर है गल्फ ऑफ थाईलैंड, यहाँ पर है अंडमान सी और यहाँ पर है जो रेड कलर से स्ट्रेट ऑफ मलक्का। एक करा कैनाल जो है वो क्या करेगी, इसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बाईपास करके, बिजी पैसेज को बाईपास करके शिप्स को अलाउ करेगी मूव करने की। पहले आइडिया था कि 90 किलोमीटर की कनाल बनाई जाएगी जिसमें अंडमान सी और गल्फ ऑफ आइलैंड को क्या है ज्वाइन किया जाएगा। अब क्या है, चाइना के द्वारा बैक किया गया एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जहां पर दोनों साइड पर पोर्ट होंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का की जो क्रिटिकल वैल्यू है वो खत्म कर देगा। प्रपोज्ड रूट जो है इस्थमस ऑफ करा के क्रॉस कट अक्रॉस करेगा, एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का के, जो कि एक नैरो सी लेन है मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में से पास करता है। मैंने आपको अभी मैप पर दिखाया, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ पर है मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इनके बीच में पास करता है। देन है स्टॉर्म सियारन, एक तूफान, बहुत स्ट्रॉन्ग तूफान आया नॉर्दर्न वेस्टर्न यूरोप में, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। नॉर्दर्न फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, नीदरलैंड, ये वर्स्ट इफेक्टेड एरिया से, बस आपको नाम याद रखना है कौन से एरिया को इसने हिट किया। देन है साइक्लोन मिचोंग, साइक्लोन मिचोंग ने रिसेंटली बंगाल को खाड़ी को हिट करना है। ये इस साल का चौथा स्टॉर्म होगा जो बे ऑफ बंगाल में आएगा, बंगाल की खाड़ी में आएगा और इंडिया में आने वाला ये इन टोटल 6th स्टॉर्म होगा। साइक्लोन मिचोंग का जो नाम है ये म्यांमार ने रखा है। इसके अलावा एक साइक्लोन आया था मिदिली, जिसने बांग्लादेश की कोस्ट पर लैंडफॉल किया, इसका नाम रखा था मालदीव्स ने, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आगे है फिलीपींस ने रिसेंटली चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से एग्जिट अनाउंस की है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये चाइना में जाना जाता है वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी। इसमें क्या है, चाइनीज गवर्नमेंट ने 2013 में एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी कि इसके थ्रू पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे हम, 150 से भी ज्यादा देशों में इन्वेस्ट करेंगे। अब क्या है, फिलीपींस ने बोल दिया है कि हम इससे बाहर आते हैं। देन है कामचटका पेनिनसुला, ये क्यों न्यूज में था रिसेंटली, हाईएस्ट एक्टिव वल्केनो इरप्ट हुआ है कामचटका पेनिनसुला में, जो कि रशिया में है। इस वल्केनो का नाम था क्लायुच सवेका सोपका। इसकी मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, आप लोकेशन दिखा देती हूँ, ये कामचटका पेनिनसुला, ये है रशिया, तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। इसका 14th जो कॉन्फ्रेंस है रिसेंटली डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुई है, जहां पर इंडिया की साइड से जस्टिस अरुण मिश्रा जी, जो कि NHRC के चेयरमैन है, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। देन है 10th ADMM प्लस, जिसकी फुल फॉर्म है आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, ये हुई है इंडोनेशिया के जकार्ता में। ADMM प्लस जो है 2010 में स्टैब्लिश हुई थी, एक प्लेटफॉर्म है आसियान नेशंस के लिए, और जो 8
डायलॉग पार्टनर्स हैं जिनको प्लस कंट्रीज बोला जाता है। यहाँ पर कौन कौन से मेंबर्स हैं आसियान के, तो आपको पता ही है, हमने अभी डिस्कस भी किए थे, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। प्लस कंट्रीज में 8 मेंबर हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया और यूएसए है। तो ये जो इसकी 10th मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया के जकार्ता में, आपको याद रखना है। देन है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिसेंटली 2+2 डायलॉग हुआ है न्यू दिल्ली में, जहां पर इंडिया की साइड से डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया, और सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया, जहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम ने डिसाइड किया है कि वो इंडिया को सेफ स्टेट लिस्ट में ऐड करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी लोग इलीगल तौर पर चले जाते हैं यूके में, उनको अगर इंडिया को लिस्ट ऑफ सेफ स्टेट में जो है इंक्लूड किया जाएगा, तो जो लोग यूके में इलीगली इंडिया से जाएंगे उनको क्या है, वापस जो उसका प्रोसेस है वापस भेजने का, वो एक्सपीडाइट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो भी लोग ब्रिटेन में असाइलम सीक करते हैं, यानी कि वहां पर शेल्टर वगैरह की डिमांड करते हैं, वो भी जो है एलिमिनेट हो जाएगी। आगे है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी 30th रिसेंटली मीटिंग हुई है, कहां पर, सैन फ्रांसिस्को में, जो कि यूएसए में है। और 2011 के बाद पहली बार जो है यूएसए ने होस्ट की है एपेक समिट, जिसका थीम था क्रिएटिंग अ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की स्थापना 1989 में हुई थी, जिसके 12 मेंबर थे उस टाइम पे, अब इसके 21 मेंबर हैं। ये ग्रुपिंग है इकोनॉमीज की पैसिफिक ओशन के आसपास, जो कि अपने एरिया के में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है सिंगापुर में, यहाँ पर आप इनके मेंबर नेशन देख सकते हैं। ये जो इनिशियली 12 मेंबर थे, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, यूएसए, न्यूजीलैंड, फिलीपींस। 9 मेंबर जो और हैं, चाइना, हांगकांग, चिले, मेक्सिको, चाइनीज तेपी, पापुआ न्यू गिनिया, वियतनाम, रशिया और पेरू। आगे बात करते हैं थैलिडोमाइड ट्रेजेडी की, ये क्यों न्यूज में था। थैलिडोमाइड एक ड्रग है, एक मेडिसिन है, जो कि 1950s में प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती थी, लेकिन उसकी वजह से प्रेग्नेंट लेडीज और फीटस में जो पेट में बच्चा है उस पे काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते थे, जिसकी वजह से अब ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश में जो है सबसे माफी मांगने के लिए एक इशू की है, नेशनल अपॉलॉजी। तो ये न्यूज में था कि जो भी थैलिडोमाइड ट्रेजेडी से लोग अफेक्ट हुए हैं उनको उन्होंने नेशनल अपॉलॉजी एक इशू की है। बस आपको ये ध्यान रखना है कौन से देश के साथ रिलेटेड है। थैलिडोमाइड क्या है, एक ड्रग है जो कि प्रेग्नेंट लेडीज को दिया जाता था, जिसका हार्मफुल इफेक्ट हुआ है बच्चों पर। देन है नूर अबू धाबी। नूर अबू धाबी क्या है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैंड अलोन ऑपरेशनल सोलर प्लांट है। ये यूएई में जो है वहां का सोलर प्लांट है। इसकी टोटल कैपेसिटी है 1.2 गीगावाट। रिसेंटली जो है यूएई ने लॉन्च किया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। देन है वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसबर्ग, जिसकी मैं आपको दिखा देती हूँ, 823A आइसबर्ग है, ये अंटार्कटिका रहा, ये इसकी जो लोकेशन दिखाई गई है, ये 2020 में इसकी लोकेशन जो दिखाई गई यहाँ पर, और 31 अगस्त में डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ गया। तो अब ये क्यों न्यूज में था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसबर्ग जो है 823A, वो काफी टाइम से मूव नहीं किया था, ऑलमोस्ट 30 सालों से। अभी जो है इसकी एक रेयर जर्नी स्टार्ट हुई है मूव करने की। तो ये जो है वेस्ट एंटार्क्टिका के फिल्चनर रॉन आइस शेल्फ से ओरिजिनेट हुआ था 1986 में। 30 सालों में पहली बार अब ये दोबारा से मूव होना स्टार्ट हुआ है, जिसके पीछे रीजन माना जाता है जा रहा है स्ट्रॉन्ग विंड्स को और ओशन करंट्स को। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। ये एंटार्क्टिका आपको दिखाया, ट्रांस एटलांटिक माउंटेन्स हो गए, रॉस आइस शेल्फ हो गई, यहाँ पर रॉस सी है, इधर है वेडल सी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब है स्टेट न्यूज। सबसे पहले है जो कोलकाता के राजभवन गवर्नर हाउस में थ्रोन रूम था, उसका नाम रख दिया है अब सरदार पटेल। हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर थे, फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर, फर्स्ट यूनियन होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके नाम पर रखा है। थ्रोन रूम क्या है, जहां पर जो आइकॉनिक हिस्टोरिक पर्सनैलिटीज हैं, जैसे लॉर्ड विलेस्ली हो गए, टीपू सुल्तान हो गए, इन लोगों की जो कलेक्शन थी उनके थ्रोन्स की, उनकी जो जहां पर वो बैठते थे सिंहासन की,
वो वहां पर रखे हुए एक म्यूजियम की तरह, वहां पर पेंटिंग्स वगैरह भी हैं, लोग वहां पर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों की ऑयल पेंटिंग्स भी है, एक म्यूजियम की तरह बना हुआ है। देन है हंगर प्रोजेक्ट, ये उत्तराखंड का है, ये की न्यूज में था रिसेंटली। नॉर्वे ने अनाउंस किया है कि हम इंडिया का जो हंगर प्रोजेक्ट है जो अभी उत्तराखंड में चल रहा है उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। इसका एम क्या है, वहां पर फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना और हंगर इश्यूज को एड्रेस करना। वुमेन लीडर्स को एम्पावर किया जाएगा, फूड सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा स्पेशली इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन में। देन है हॉल मार्किंग सेंटर्स जो है, पहली स्टेट जो बनी है जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट में हॉल मार्किंग सेंटर होंगे, कौन सी स्टेट, केरला। सो केरला में क्या है कि अब हर जिले में हॉल मार्किंग सेंटर होंगे। हॉल मार्किंग सेंटर क्या है, जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स है, सोने के जो ऑर्नामेंट्स है उनको खरीदते टाइम जो आपको अगर हॉल मार्किंग होगी तो उसकी क्वालिटी आपको वो इंश्योर करेगा कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। देन है इंडिया का पहला लेवेंडर फार्म। लेवेंडर ऐसे फूल होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। इंडिया का पहला लेवेंडर फार्म बन रहा है जम्मू कश्मीर के काथुआ जिले के छल्ला विलेज में। जो लेवेंडर फ्लावर है ये यूरोप का नेटिव है और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने इंडिया के या जम्मू के टेम्परेट रीजन में CSIR अरोमा मिशन के अंडर 2018 में इंट्रोड्यूस किया था। और जो डोडा है ये इंडिया के पर्पल रेवोल्यूशन का बर्थ प्लेस भी बना था, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन है काउ सेंसस। यूपी की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो काउ सेंसस करेंगे। काउ सेंसस क्या है कि काउस की गिनती करेंगे वहां पर, जिसके बेस पर वो फिर वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च कर पाएंगे। इसके बाद है उत्तराखंड के कुछ प्रोडक्ट्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिले हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है, अगर किसी प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है तो वो उस ज्योग्राफी, उस एरिया के किसी स्पेशल प्रोडक्ट को दिखाता है और कोई भी और प्रोडक्ट किसी और एरिया का सेम प्रोडक्ट इस नाम से नहीं सेल हो पाएगा। इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग देती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो कि इंडिया के चेन्नई में है। एक बार GI टैग किसी प्रोडक्ट को मिलता है तो वो 10 साल के लिए वैलिड रहता है। सबसे पहले है रमन मास्क, जो कि चमोली से है, चमोली वुडन रमन मास्क, जिसकी पिक्चर देख सकते हैं, वुड से बनते हैं। इसके बाद है लाखोरी मिर्ची, इसको ऑरेंज मिर्ची के नाम से, सॉरी येलो मिर्ची और पीली मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, ऐसी दिखती है ये। उत्तराखंड के अल्मोड़ा लखौरी, अल्मोड़ा में एक लखौरी गांव है, वहां पर पहली बार उगाई गई थी, उसी के नाम पर इसका नाम है। देन है बुरांश जूस। बुरांश एक फ्लावर है जिससे जूस बनता है, ये भी उत्तराखंड से है, जिसको GI टैग मिला। ये जूस की बॉटल की पिक्चर है। इसके बाद है रामनगर नैनीताल लीचीज और रामगढ़ नैनीताल पीचीज। लीची है रामगढ़ की, रामनगर की और रामगढ़ के पीचीज यानी कि आड़ू, इनको भी GI टैग मिला है। देन है लिखाई। लिखाई क्या है, एंशियंट वुड कार्विंग ट्रेडिशन है, ये ऐसे लकड़ी पर कार्विंग की हुई है, बहुत ही सुंदर ये सारी क्या है कार्विंग की हुई है, ये उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में है। इसके बाद है गाहत। गाहत एक पल्स है, एक दाल की तरह है, जो कि उत्तराखंड के ड्राई रीजन से, यहाँ पर बारिश कम होती है वहां पर उगाई जाते हैं। ये आयुर्वेदा में बहुत यूज होती है, ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत है। इसके बाद है झंगोरा। झंगोरा भी होम ग्रोन मिलेट है, जो कि कॉमनली ऐसे एरिया में उगाई जाती है जहां पर बारिश अच्छी होती है, मेनली उत्तराखंड के हिमालयस में ऐसा दिखता है। इसके बाद है चौलाई। चौलाई को रामदाना भी बोलते हैं, ये एक ग्रेन अनाज है जो कि व्रत रखते टाइम कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी काफी हाई होती है। इसको राजगीर और अमरंथ भी बोला जाता है। देन है माल्टा, ये एक फ्रूट है जिसको हिमालयन स्वीट ऑरेंज भी बोला जाता है, हिमालयन वैलीज में इसकी खेती होती है। देन है उत्तराखंड काला भाट, ये ब्लैक सोयाबीन है जो कि 1000 से 1700 मीटर के अल्टीट्यूड पर इसकी खेती होती है। इसके बाद है पहाड़ी तूर दाल, ऐसी दिखती है ये भी, इसको भी GI टैग मिला। देन है बेरीनाग की चाय, ये चाय पत्ती की जब खेती होती है चाय की, वो दिखाया हुआ है। इसके बाद उत्तराखंड के लाल चावल, ऐसे दिखते हैं, इसको भी GI टैग मिला है। देन है उत्तराखंड का GI टैग खत्म हो गए हैं। इसके बाद है लद्दाख का सी बकथोन। लद्दाख का सी बकथोन एक फ्रूट है जो कि ऐसा दिखता है, इसको भी GI टैग मिला है। इससे पहले लद्दाख के 3 ऑयल प्रोडक्ट्स को भी GI टैग मिला है, कौन कौन से, एप्रिकॉट, पश्मीना और लद्दाखी वुड कार्विंग। सी बकथोन जो एक प्लांट है जो कि यूरोप और एशिया में पाया जाता है,
इंडिया में हिमालयन रीजन से ये स्टार्ट होता है और जनरली लद्दाख और स्पीति के जो कोल्ड डेजर्ट है वहां पर पाया जाता है। देन है किश्तवाड़ जिले का सैफरन यानी कि केसर, ये भी जम्मू एंड कश्मीर के से बिलोंग करता है, इसको जीआई टैग मिला है, काफी फेमस है, एक्सपेंसिव वैरायटी है केसर की, जिसको कुमकुम भी बोलते हैं और किश्तवाड़ जिले की मेन कैश क्रॉप है ये। इसके बाद है अयोध्या ने रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, एक ही जगह पर एक ही टाइम पे 22 लाख से भी ज्यादा दिया जो है जलाए गए थे सरयू नदी के तट पर रिसेंटली दीपावली के टाइम पे, जिसकी वजह से जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ। देन है सिल्कियारा टनल, सिल्कियारा टनल जो है जिसको उत्तरकाशी टनल के नाम से भी जानते हैं, रिसेंटली जो कुछ हिस्सा जिसका अंडर कंस्ट्रक्शन था कोलैप्स हो गया था, जो कि चार धाम ऑल वेदर हाईवे प्रोजेक्ट का पार्ट है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जो टनल जो ये इसका कुछ पार्ट कोलैप्स हुआ था, जिसकी वजह से 41 मजदूर जो थे वहां पर फंस भी गए थे, अब वो सेफली निकल चुके हैं। चार धाम परियोजना क्या है, ये चार धाम जो है केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री, इनकी कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट के लिए जो है उत्तराखंड में जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इसके लिए जो मजदूर फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए रैट होल माइनिंग का यूज किया गया। अब रैट होल माइनिंग मेथड क्या है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकल होती है ये वाली ऐसे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल होती है ऐसे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल ऐसे इस टाइप में इस एरिया में इस उसमें लगा लो इस वे में ड्रिलिंग की जाती है, 10 से 12 मीटर का जो स्ट्रेच रह जाता है डेब्रिस का, अगर कोई भी जगह कोलैप्स हो जाए ये यूज किया गया। इसमें क्या है, बहुत ही छोटी छोटी जो गड्ढे बनाए जाते हैं ग्राउंड में, जैसे इतने वो होते हैं चौड़े कि एक इंसान उसमें जा सके नीचे। मोस्टली ये मेघालय में प्रिवेलेंट है क्योंकि वहां पर जो कोल माइंस है काफी ज्यादा थिन होती है, मेघालय में यूज होता है। एक बार जब पिट डग हो जाती है तो जो माइनर्स हैं वो नीचे चले जाते हैं जो रस्सी यूज करके या बेम्बो लेडर बेम्बू के लेडर्स यूज करके कोल सीन्स में पहुंच जाते हैं। देन है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जिसका 9th एडिशन जो है रिसेंटली वो अनाउंस किया गया है, 17 से 20 जनवरी के बीच में होगा हरियाणा के फरीदाबाद में। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद विज्ञाना भारती, एक साइंस मूवमेंट थी, साइंटिस्ट के द्वारा स्पीयर हेड की गई थी स्वदेशी स्पिरिट के साथ। इसका एम क्या है, जो साइंस का वर्ल्ड है उसको कमेमोरेट करना, सो दैट सभी लोग उसको एक्सेस कर सके, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाया जा सके साइंस के फील्ड में। देन है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल, इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हो, ये बनाया गया है सिद्दापेट डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना में। इसमें 4000 स्क्वायर फीट का ये टेम्पल बनाया गया है, 3 सेंटम्स है अलग अलग डीटीज अलग अलग देवताओं के लिए, कौन कौन से, एक तो मोदक बनाया गया है गणेश भगवान जी के लिए, एक शिवालय बनाया गया है शंकर भगवान जी के लिए, एक कमल की शेप में बनाया गया है पार्वती माता के लिए। यहाँ पर आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं, 3D पहला दुनिया का ये टेम्पल है। देन है कंबाला फेस्टिवल, कंबाला फेस्टिवल क्या है, ये सालाना होता है जब राइस की खेती हो जाती है कटाई के बाद, फील्ड में बफलोज की जो है रेस करवाई जाती है। क्यों न्यूज में था, क्योंकि बेंगलुरु जो है अपना पहला कंबाला होस्ट कर रहा है, ये एक सालाना बफलो रेस है जो कि कोस्टल कर्नाटका की, कर्नाटका के तट वाले एरियाज है उनकी फार्मिंग कम्युनिटी ऑब्जर्व करती है। ये माना जाता है कि जो लॉर्ड कादरी मंजूनाथ है जो कि लॉर्ड शिवा की मैनिफेस्टेशन है, उनको कमेमोरेट करने के लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद एक घोल या ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर, एक फिश है ऐसी दिखती है, गुजरात ने गोल स्पीशीज को जो है ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में अपनी स्टेट फिश डिक्लेयर किया है। गोल फिश जो है इंडो पैसिफिक में काफी वाइडली तौर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर्शियन गल्फ से लेके पैसिफिक ओशियन तक के पानी में मिलती है। इसके जो स्विम ब्लैडर्स है काफी कीमती होते हैं क्योंकि इसकी मेडिसिनल और कमर्शियल वैल्यू भी है। देन है वाटर स्मार्ट किड कैंपेन, ये मेघालय में लॉन्च किया गया है जल जीवन मिशन के अंडर। इसमें क्या है, बच्चों को सिखाया जाएगा कि वाटर कंजर्वेशन की कितनी ज्यादा जरूरत है, सस्टेनेबिलिटी कितनी जरूरत है, सो दैट
पानी की जो आगे फ्यूचर में कमी ना हो। अब है साइंस एंड टेक के बारे में न्यूज। सबसे पहले है गोन, जिसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑनको सर्कियासिस नेटवर्क फॉर एलिमिनेशन। सिनेगल ने होस्ट की है पहली मीटिंग WHO की इनिशिएटिव गोन की। जनवरी 2023 में गोन लॉन्च हुआ था। इसमें क्या था कि जो कंट्रीज थी उनके इनिशिएटिव्स को, उनके एफर्ट्स को स्पीड अप करना, किसके लिए, ऑनको सर्कियासिस टारगेट्स को अचीव करने के लिए 2030 निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज रोड मैप में। ऑनको सर्कियासिस जो है इसको रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। ये ऑनको सरका वॉल्वलस एक पैरासाइटिक वॉर्म है, उससे होती है, जो कि एक ब्लैक फ्लाई इन्फेक्टेड की काटने से हो जाती है, जो कि बहुत तेज स्पीड पर जो नदी बहती है वहां पर इसकी ब्रीडिंग होती है। और ब्लाइंडनेस की ट्रेकोमा के बाद ये सेकंड कॉज है जिसकी वजह से लोगों की नजर जो है, निगाह जो है उनकी चली जाती है। आगे है लूसी मिशन, ये नासा का है। ये रिसेंटली इसने अपना पहला फ्लाई बाय कंप्लीट कर लिया था और ये एस्ट्रॉइड पर गया था जिसका नाम है एस्ट्रॉइड का दिनकिनेश। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन है नासा का, जो कि जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉइड को एक्सप्लोर करेगा। एस्ट्रॉइड जो है ऑर्बिट शेयर करते हैं एक प्लैनेट के साथ, जो कि जो लैग्रेंजियन पॉइंट्स है L4 और L5 ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स जिनको बोला जाता है, उनको ऑर्बिट करते हैं। 12 साल का ये मिशन है। ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा नंबर एस्ट्रॉइड्स के जो है उनको एक्सप्लोर करेगा, फ्लाई बाय करेगा एस्ट्रॉइड की बेल्ट में, जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में, और फिर 10 ट्रोजन्स के। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है इजेक्टा हेलो। इजेक्टा हेलो की भी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ पहले। तो ये जो है, जैसे यहाँ पर मान लो हमारा विक्रम लैंडर लैंड किया, जहां पर ये लैंड किया, जब ये यहाँ पर लैंड करेगा, यहां से कुछ ना कुछ जो एरिया है खड्डा बन जाएगा, मटेरियल डिस्प्लेस हो जाएगा। तो जो इजेक्टा हेलो है, इसरो ने रिसेंटली रिवील किया कि चंद्रयान 3 का जो विक्रम था, लैंडर मॉड्यूल था, उसने काफी बड़ा इजेक्टा हेलो जो है क्रिएट किया लूनर मटेरियल का। जिस इजेक्टा हेलो क्या है, एक इरेगुलर ब्राइट पैच है, मैंने आपको अभी बताया। ये देख एक सिंपल एग्जांपल से वो कहते समझ सकते हैं कि कोई भी मेट्रोइड वगैरह अगर चांद के सरफेस पर कोलाइड करेगा तो एक खड्डा बन जाएगा, ये भी वैसा ही होता है। इजेक्टा जो है इसका इम्पैक्ट जो है पूरी जो मटेरियल है सभी दिशाओं में वो उड़ता है, एक डिस्टिंक्टिव पैटर्न बन जाता है क्रेटर की तरह, जिस पैटर्न को बोलते हैं इजेक्टा हेलो। ये डेब्रिस से बनता है मटेरियल, जो कि इस जब ये यहाँ पर पहुंचा टकराया, यहां से जो मटेरियल है वो उड़ के इधर चला गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है इन्फ्यूज मिशन, ये भी नासा ने लॉन्च किया था, क्यू न्यूज में था ये रिसेंटली। इस मिशन का एम क्या था कि स्पेक्ट्रोस्कोपिकली एक इमेजेस क्रिएट करनी है सिग्नस लूप की, सो दैट सुपरनोवा का हम जो इम्पैक्ट है उसका स्टडी कर सके जब वो इंटरस्टेलर मीडियम से इंटरैक्ट करती है। अब सुपरनोवा क्या है, जब भी कोई भी स्टार, कोई तारा बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर एक्सप्लोड करता है उसको सुपरनोवा बोलते हैं। और सिग्नस लूप क्या है, जो उस स्टार का जब वो एक्सप्लोड कर गया उसका जो पीछे बचा हुआ पोर्शन है उसको बोलते हैं सिग्नस लूप, जो कि हमारे सूर्य के, सूर्य भी सन भी एक स्टार है, एक टाइम पे सन के जो 20 गुना साइज का, 20 गुना से भी बड़ा साइज था सिग्नस लूप। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई है जिसको इन स्पेस से परमिशन मिल गई है। इन स्पेस की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करता है। इसमें क्या होगा, एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जी ये, जो कि एक 3U क्यूब सेट होगा जिसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होंगे, जैसे कि इंडिया के गरीब डिस्ट्रिक्ट्स में इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टडी करना सैटेलाइट के इमेजेस वगैरह यूज करके। देन है थेलियम पॉइजनिंग। थेलियम पॉइजनिंग के काफी सारे केसेस जो है इंडिया में देखे गए, महाराष्ट्र में स्पेशली। थेलियम को पॉइजनर्स पॉइजन बोला जाता है, ये एक टॉक्सिक मेटल आइटम है जिसका 81 एटॉमिक नंबर है एटॉमिक टेबल में। ये अपने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी जहरीलेपन के लिए जाना जाता है, जो कि नेचर में फ्रीली नहीं मिलता। देन है जीका वायरस। जीका वायरस रिसेंटली बेंगलुरु के मॉस्किटो सैंपल में डिटेक्ट किया गया। जीका वायरस जो है एडीज मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, जो कि मोस्टली
दिन के टाइम पे काटता है, इसी मॉस्किटो की वजह से डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर होता है। और अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट हो तो उसको अगर हो जाए तो जीका जो है मदर से फीटस में भी ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं सर्वावैक वैक्सीन की। ये इंडिया का पहला खुद का बनाया हुआ एचपीवी वैक्सीन है। एचपीवी वैक्सीन क्या है? सर्विकल कैंसर के लिए, के प्रिवेंशन के लिए यूज होगा और बाकी एचपीवी एसोसिएटेड कैंसर्स के लिए। एक स्टडी में ये रिवील किया गया था कि सर्वावैक वैक्सीन जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप होगा और इसका जो इम्यून रिस्पॉन्स है काफी अच्छा है। इसके बाद है सोफिया, जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरबॉर्न एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो कि नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर का ज्वाइंट प्रोग्राम है। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि इसने वीनस प्लैनेट पर रिसेंटली एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो डिटेक्ट की है सोफिया एयरबॉर्न ऑब्जर्वेटरी ने। इसके बाद है इक्सचिक। इक्सचिक क्या है? दुनिया का पहला वैक्सीन है चिकनगुनिया के लिए जो कि यूएसए ने अप्रूव किया है। इसमें चिकनगुनिया वायरस के लाइव और वीकेंड वर्जन होगा। चिकनगुनिया हमने अभी डिस्कस किया वायरल डिजीज है जो कि एडीज मॉस्किटो से होती है। देन है किल्सविच। किल्सविच साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया। किल्सविच क्या है? एक ऐसा एक कंपोनेंट है जो कि कैंसर सेल्स को मारने के लिए ज्यादा काम करता है। साइंटिस्ट ने एक क्रूशियल एपिटोप आइडेंटिफाई किया है। एपिटोप होता है एक प्रोटीन सेक्शन जो कि CD95 रिसेप्टर पर एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से कैंसर सेल्स मरते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन है टेंटेलम। टेंटेलम क्या है? रिसेंटली IIT रोपड़ ने टेंटेलम जो कि काफी रेयर मेटल है वो सतलुज रिवर जो है उसकी सैंड में पाया गया। टेंटेलम काफी रेयर मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर है 73। काफी यूजफुल होगा ये क्योंकि ये हाई करोजन रेजिस्टेंस है, यानी कि इसको जल्दी से जल्दी जंग नहीं लगती। जैसे आयरन को, लोहे को जंग लग जाती है, इसको जंग नहीं लगती जब भी ये एयर को एक्सपोज होता है। इसके अलावा काफी इम्यून है केमिकल अटैक से। 150 डिग्री सेल्सियस तक के नीचे टेम्परेचर तक ये केमिकल अटैक से भी इसको फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एसिडिक सॉल्यूशन से अटैक होता है जिसमें फ्लोराइड आयन होता है, फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड वगैरह होते हैं। जब ये प्योर होता है तो टेंटलम क्या है? टेक्टाइल होता है, यानी कि टेंटलम को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, इससे वायर्स बना सकते हैं, धागे जिसे बना सकते हैं। टेंटलम का यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, एरोप्लेन्स में, बायोमेडिकल्स वगैरह में, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन है एवियन इन्फ्लुएंजा H9N2 वायरस से जो होता है। ये ह्यूमंस में भी इन्फ्लुएंजा होता है, इससे बर्ड फ्लू भी होता है। H9N2 वायरस जो है पूरी दुनिया में पाया जाता है, वाइल्ड बर्ड्स में भी और पोल्ट्री में भी पाया जाता है। इसकी ट्रांसमिशन जो है ये अगर आप इन्फेक्टेड पोल्ट्री के कॉन्टैक्ट में आ जाओगे तो आपको हो सकता है। और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है क्योंकि H9N2 का जो रिसेंटली चाइना में फैला हुआ है तो हमारे इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री काफी ध्यान से मॉनिटर कर रही है कि इंडिया में ये ना फैले। इसके बाद है ISR चंद्रा। ISR चंद्रा एक ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च की वैरायटी है जिसकी पिक्चर देख सकते हैं। जब काली मिर्च पेड़ पर लगती है ऐसी दिखती है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च जो कि केरला के कोझिकोड में है उन्होंने डेवलप की है। इसके लिए उन्होंने चोलामुंडी और थोमन कोड़ी, ये काली मिर्च की वैरायटीज है, इनकी क्रॉसिंग करवाई है। इसके बाद है ई प्राइम लेयर जो कि साइंटिस्ट ने अनवील किया है कि धरती में अर्थ कोर के आउटर मोस्ट पार्ट पर क्या है, एक ई प्राइम लेयर है जिसकी वजह से सजेस्ट किया है रिसर्च ने कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है जहां पर सरफेस वाटर होता है वो उस पानी को धरती के नीचे ट्रांसफर कर देते हैं काफी डेप्थ तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो धरती की लेयर्स हैं ऊपर से अगर आप स्टार्ट हो तो पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आती है, देन ओशियनिक क्रस्ट आती है, फिर अपर मोस्ट मेंटल, देन एस्थेनोस्फीयर सॉलिड एस्थेनोस्फीयर मेंटल ट्रांजिशन, लोअर मेंटल, आउटर मोल्टन कोर और इनर मोल्टन कोर। तो इसी जो हमारी आउटर मोस्ट पार्ट है अर्थ की कोर का वहीं पर ई प्राइम लेयर जो है वो रिवील हुई है। नेक्स्ट है एटमोस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट मिशन और मिशन। नासा ने जो है बोला है कि हम एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार है। और मिशन जो है नासा के एक्सपेरिमेंट का पायनियरिंग जो पायनियर है
जो कि टेरेस्ट्रियल यानी कि टेरेस्ट्रियल होता है सरफेस, अर्थ का सरफेस और स्पेस के वेदर के बीच में इंटरप्ले को एक्सप्लोर करने के लिए डिजाइन किया गया। ये एयर ग्लो को एग्जामिन करता है। एयर ग्लो क्या है? अर्थ के एटमॉस्फेयर के कलरफुल बैंड है जहां पर जो भी फोर्सेस स्पेस वेदर को ड्राइव करती हैं अपर एटमॉस्फेयर में उसको डिटरमाइन करते हैं। एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स को भी मेजर करेगा ये मीजोपॉज पर। मीजोपॉज जो कि 87 किलोमीटर अर्थ के सरफेस के ऊपर, वहां से स्टार्ट होती है। जो एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स है वो कैसे बनती है, ऐसे यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे मान लो नीचे से क्या है, एयर ने इसको पुल किया तो ये इसका क्रेस्ट बनता है। जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी इसको नीचे ऐसे खींचती है, उसको वजह से इस वेव का बनता है ट्रफ। तो क्रेस्ट और ट्रफ ऐसे बनते हैं। तो बोयंसी लिफ्ट की वजह से और ग्रेविटी की वजह से जो एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट वेव बनती है। इसके बाद है कमीशन टू फोस्टर सोशल कनेक्शन। ये WHO ने लॉन्च किया है। इसमें क्या है, एम ये है कि जो लोनलीनेस है, अकेलापन है, उससे लोग सफर ना करें, क्योंकि WHO ने बोला है कि जो लोनलीनेस है इसकी वजह से काफी ज्यादा हेल्थ थ्रेट्स जो है वो लोग फेस कर रहे हैं, और सभी इनकम वाले देशों में इसका सोल्यूशन जो है ढूंढने के लिए ये जो कमीशन है टू फोस्टर सोशल कनेक्शन लॉन्च किया गया है 2024 और 26 के पीरियड के लिए, अभी के लिए फिलहाल लॉन्च किया गया है। देन है मंकी पॉक्स, एम पॉक्स। WHO ने रिसेंटली एम पॉक्स का सेक्सुअल स्प्रेड जो है कंफर्म किया है कॉन्गो में पहली बार। एम पॉक्स या मंकी पॉक्स क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है। इसका जो नेचुरल रिजर्वायर है अभी तक पता नहीं है, लेकिन मानते हैं कि जो छोटे मेमल्स हैं जैसे कि गलहरी होगी, स्क्वेडल होगी, मंकीज वगैरह हो गए, वो काफी ससेप्टिबल है। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन है जो एम पॉक्स की, वो हो सकती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू अगर इन्फेक्टेड स्किन के द्वारा आ जाए। इनिशियली जो है कुछ अफ्रीकन देशों के में ही लिमिटेड है, लिमिटेड थी, लेकिन 2022 के स्टार्टिंग में बात ये पूरे ग्लोब में फैल गई थी। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट न्यूज की। सबसे पहले प्रोजेक्ट डॉल्फिन। रिसेंटली तमिलनाडु की सरकार ने बोला है कि हम प्रोजेक्ट डॉल्फिन को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम के अंडर इम्प्लीमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु का जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, एक मेजर हैबिटेट है डॉल्फिन्स का, जहां पर बहुत सारी और स्पीशीज भी मिलती है, जैसे डुगोंग, वेल शार्क, सी हॉर्सेस, ग्रीन सी टर्टल वगैरह हो गया। प्रोजेक्ट डॉल्फिन में क्या है, 10 साल का प्रोजेक्ट है। रिवर डॉल्फिन पे भी काम करेगा, सी डॉल्फिन पे भी। बायोडाइवर्सिटी को स्ट्रेंथन करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, टूरिज्म अट्रैक्ट करेगा। जो भी डॉल्फिन्स की किलिंग, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन वगैरह होती है डैम्स वगैरह की वजह से, सब चीजों को एड्रेस करेगा। गिंजिस रिवर डॉल्फिन फ्रेश वाटर डॉल्फिन की जो एक स्पीशीज है, ये गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी में पाई जाती है और उनकी सहायक नदियों में। इंडिया में अगर बात करें, ये असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है मीनामाटे कन्वेंशन की। रिसेंटली 5th COP हुई है, कहां पर? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। मीनामाटे कन्वेंशन जो है मर्क्यूरी पर है, जो कि 2013 में अडॉप्ट की गई थी, जो कि मर्क्यूरी के इल इफेक्ट से ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक ट्रीटी है। देन है दुनिया का पहला मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बना है स्पर्म वेल्स के लिए, जो कि ऐसी दिखती है। कहां पर मिला है? डोमिनिका में, जिसको आप यहां पर देख सकते हो, ये कैरिबियन सी है। डोमिनिका ने क्रिएट किया है, ये छोटा सा कैरिबियन आइलैंड है, हिस्ट्री बनाई है वर्ल्ड का पहला मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाने में एंडेंजर्ड स्पर्म वेल के लिए। ये एक इनिशिएटिव जो है, यही इसका एम है, क्लाइमेट चेंज के अंगेंस्ट तो कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा और इन क्रिएचर्स को भी बचाएगा। देन है अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क। ये क्यों न्यूज में था? ये वंडालूर में है। इन्होंने रिसेंटली जम्मू कश्मीर के जम्बू जू से हिमालयन दो ब्लैक बियर रिसीव किए हैं एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू। जम्मू कश्मीर के जू से तो दो ब्लैक बियर आए हैं वेंडालूर के अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क में, और जो जम्मू कश्मीर का जू है वहां पर क्या भेजा गया है? रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जम्मू के जो जम्बू जू है वहां पर पहली बार रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो भेजे गए हैं। देन है सांबर लेक। ये क्यों न्यूज में था? रिसेंटली रिसर्चर ने अनवील किया कि जो पिकोसाइटिस सेलिनेरम है, ग्रीन एल्गे है, इसकी कैपेबिलिटी अनवील की है, जो कि हाइपरसलाइन सोडा लेक सांबर में पाई जाती है,
एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को सर्वाइव करने के लिए। ये पहली बार इंडिया में राजस्थान के सांबर लेक में ही देखी गई थी। सांबर लेक जो है इंडिया की सबसे बड़ी स्लाइम लेक है, जो कि राजस्थान में सॉल्ट प्रोडक्शन का भी सोर्स है। ऐसी दिखती है ग्रीन एल्गे। देन है नोआ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग। ये एक नई स्पीशीज है म्यूजिक फ्रॉग की, जो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की है अरुणाचल प्रदेश के नामदफा कमलांग लैंडस्केप में, जो कि इसकी पिक्चर देख सकते हो। ये जो स्पीशीज है इसका नाम नोआ दिहिंग नदी पर रखा गया है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। ऐसा दिखता है ये फ्रॉग। इसके बाद इकोनॉमी न्यूज। सबसे पहले ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन्स। 11 एशियन और साउथ अमेरिकन देशों ने रिसेंटली एक ग्लोबल डिक्लेरेशन साइन की है, जिसका नाम है ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन। इसका एम क्या है? दुनिया में जो 6 बची हुई रिवर डॉल्फिन स्पीशीज है उनको बचाना, और जो सभी रिवर डॉल्फिन स्पीशीज का जो उनके नंबर कम हो रहे हैं उसको रोकना, और मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन की उनकी आबादी बढ़ाना। ये जो कंट्रीज है जिन्होंने ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट की है उनका नाम है बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वेडर, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। 6 सर्वाइविंग स्पीशीज जो है रिवर डॉल्फिन की कौन कौन सी है? एमेजॉन, इंडस, गेंजिस, इरावली, टुकुक्सी, यांगत्से। सभी स्पीशीज का अगर IUCN स्टेटस देखें तो एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देन है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये की न्यूज में था, एक बहुत ही रेयर स्पीशीज ब्लैक स्टॉक, जो कि ऐसी दिखती है, यूपी के हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखी गई थी, तभी ये न्यूज में था। ये जो ब्लैक स्टॉक है ये वैसे यूरोपियन पॉपुलेशन में मिलता है, माइग्रेट करता है सहारन अफ्रीका में और एशियन पॉपुलेशन में। इसका IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। इसके बाद है देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि ढोलेस जो है एशियन डॉग, ये पहली बार देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखा गया, जो कि उड़ीसा में है। ऐसा दिखता है ये डॉग है, और जो ढोले है वाइल्ड एशियन कार्निवोर है डॉग फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि इंडिया, नेपाल, भूटान और थाईलैंड में मिलता है। IUCN स्टेटस की अगर बात करें तो IUCN स्टेटस इसका है एंडेंजर्ड। इसके बाद है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक 120 से भी ज्यादा देशों की अलायंस है, जो कि सनशाइन कंट्रीज है। सनशाइन कंट्रीज जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में लाई करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि 23.5 डिग्री साउथ के बीच में देश लाई करते हैं, जहां पर सनलाइट रहती है। इसका एम क्या है कि ये जो देश है सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज करें और फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस कम हो। इनिशिएटिव पहले हमारे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रपोज किया था। रिसेंटली इसका 95th मेंबर बना है चिली, जो कि एक साउथ अमेरिकन देश है। ISA के रिलेटेड एक और न्यूज है, इसका रिसेंटली 6th सेशन हुआ था इंडिया में, न्यू दिल्ली में। बस ये ध्यान रखना है, ISA असेंबली जो ISA की टॉप मोस्ट डिसीजन बॉडी है। देन है हॉक सिस्टम। हॉक सिस्टम कर्नाटका के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर लॉन्च किया, जिसकी फुल फॉर्म है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल सिस्टम, जो कि एक क्लाउड बेस्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसका एम क्या है, इंटरलिंक्ड डेटा बेस जो है वाइल्ड लाइफ क्राइम का, उसको मैनेज करना, वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल्स को और वाइल्ड लाइफ मोर्टेलिटी को। इस सिस्टम में पूरे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कनेक्ट किया गया है रियल टाइम में, और जो एक्सेस है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है एक्सेस लेवल्स के थ्रू। देन है व्हाइट हाइड्रोजन। साइंटिस्ट ने एक बड़ा रिजर्वायर जो है व्हाइट हाइड्रोजन का डिस्कवर किया है फ्रांस में। व्हाइट हाइड्रोजन को नेचुरल हाइड्रोजन, गोल्ड हाइड्रोजन या फिर जियोलॉजिकल हाइड्रोजन भी बोला जाता है, जो कि मोस्ट नेचुरली अक्रिंग फॉर्म है हाइड्रोजन की, अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। इसकी डिस्कवरी और पोटेंशियल यूटिलाइजेशन जो है ये पिवोटल रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए। नेक्स्ट है ये मशरूम की वैरायटी, जिसका नाम है कैंडोलियोमाइसिस एल्बो स्क्वेमोसस। ऐसा दिखता है, ये जो हनी के तरह कलर है, वाइट कलर का मशरूम है, बहुत ही छोटा फ्रेजाइल लुकिंग मशरूम है। रिसेंटली जवाहर नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो कि पेलोडे में है, वहां पर एक नई स्पीशी देखी गई है। वेस्टर्न घाट की बायोडाइवर्सिटी में एक और रिमार्केबल डिस्कवरी हुई है। ये जो नई स्पीशीज है काफी क्यूट है देखने में, और इसका जो व्हाइट बुली स्केल जैसा स्ट्रक्चर है उसी की तरह इसका नाम जो है वो रखा गया है
क्योंकि एल्बो स्क्वामोसिस का मतलब यही होता है व्हाइट वूली स्किन। देन है कवा इजन क्रेटर लेक। कॉपरनिकस सेंटिनल टू मिशन जो है इसने रिसेंटली कवा इजन क्रेटर लेक की ऑप्टिकल इमेजेस जो है वो प्रोवाइड की है। ये जो लेक है, झील है, इंडोनेशिया के ईस्टर्न जावा में वहां पर लोकेटेड है, जिसका पीएच लेवल 0.3 से भी कम है, यानी कि इतनी ज्यादा ये एसिडिक है। वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे बड़ी एसिडिक लेक है। इसको लार्जेस्ट एसिड कॉल्ड्रॉन ऑन अर्थ भी बोला जाता है और वल्केनिक रीजन माना जाता है कि वल्केनो से ये बनी है। बहुत ज्यादा एसिडिक और मेटल पोल्यूटेड रिवर है, जो जो बान्यू पहित वो भी इसी झील से निकलती है। देन है अपॉइंटमेंट रिपोर्ट स्कीम्स वगैरह। पहले है इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जो कि रिसेंटली इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने रिलीज की है। इसके हेडक्वार्टर है सिडनी में, एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है ये। चार कैटेगरीज पर फोकस करता है, कौन कौन सी, फूड इनसिक्योरिटी, नेचुरल डिजास्टर, डेमोग्राफिक प्रेशर और वाटर रिस्क। देन है ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड जो कि 2018 में एस्टैब्लिश किया गया है वर्ल्ड बैंक और WHO के द्वारा। ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड जो है ये इसने रिसेंटली अ फ्रेजाइल स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस 2023 रिपोर्ट रिलीज की है ऑन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट। जो ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड जो है, मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है, ये मई 2023 में पब्लिश हुआ था। एक रॉबस्ट एविडेंस बेस्ड मेथडोलॉजी जो है प्रोवाइड करता है ग्लोबल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को असेस करने के लिए। देन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी जो कि इंडिया के क्रिकेटर है, उनको अपना ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। इसके बाद है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये किसने रिलीज की है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF ने। ये क्या, इसने दिखाया है कि 2023 में जो ग्रोथ, ग्लोबल ग्रोथ है 3% है, 2024 में कम होकर 2.9% ही रह जाएगी। देन है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP रिलीज करती है। अडेप्टेशन क्या होता है, जो आप किसी भी जगह की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करते हो, एडजस्ट करते हो। UNEP एक लीडिंग एनवायरमेंटल अथॉरिटी है यूनाइटेड नेशन सिस्टम में। ये एमिशन गैप रिपोर्ट और ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक नाम के रिपोर्ट्स भी रिलीज करती है। देन है एमिशंस फ्रॉम ऑयल एंड गैस ऑपरेशन इन नेट जीरो ट्रांजिशन रिपोर्ट, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट रिलीज करती है, जिसकी स्थापना हुई थी 1974 में और इंडिया भी एसोसिएशन कंट्रीज का पार्ट है IEA की। देन है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये इंडिया में इसने देखा है कि इंडिया जो है 33 रैंक जो 10 साल पहले था उससे 103 रैंक पर आ गया है। इंडिया का जो रैंक है 103 है, जो कि काफी बुरा है ब्रिक्स देशों में। चाइना, अगर ब्रिक्स देशों में देखें तो चाइना टॉप पर है। इसके अलावा ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में ओवरऑल जो है सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और USA तीनों टॉप पर है। ये जो रिपोर्ट है ये इनसीड पब्लिश करती है। देन है ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग, इसमें इंडिया का थर्ड रैंक आया क्योंकि इंडिया में 72 यूनिकॉर्न कंपनीज है। USA टॉप मोस्ट पोजीशन पर है जिसमें 668 यूनिकॉर्न कंपनी है और चाइना में 172 यूनिकॉर्न कंपनीज है, सेकंड पोजीशन पर है। ये जो रैंकिंग्स है हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट रिलीज करता है। देन है क्लाइमेट इक्वालिटी अ प्लैनेट फॉर द 99%, ये ऑक्सफैम रिलीज करता है एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्लाइमेट ब्रेकडाउन और एक्सट्रीम इनइक्वालिटी पर एम्फोसिस किया जाता है कि ये दो ट्विन चैलेंजेस हैं जो कि ह्यूमैनिटी फेस कर रही है। देन है हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट जो है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो UN की, वो लॉन्च करती है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। हंगर हॉटस्पॉट जो है 22 देश है इसमें, जो कि जिसमें दो रीजनल क्लस्टर्स भी है। इन हॉटस्पॉट्स में ऐसी आबादी है जो कि अभी फूड इनसिक्योरिटी की जो शॉर्टेज है वो फेस कर रही है या आने वाले फ्यूचर में फूड की जो शॉर्टेज है फेस करेगी क्रिटिकल लेवल पर। देन है हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट, जिसमें HCL टेक के फाउंडर शिव नदार ने टॉप किया। सेकंड नंबर पर है अजीम प्रेम जी विप्रो के फाउंडर। थर्ड पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी एंड फैमिली। देन है इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जो कि कैफरेल यानी कि सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग ने रिलीज की है। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह RBI के द्वारा। इसका थीम था
कनेक्टिंग द लास्ट माइल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन इंडिया। एनबीएफसी जो है कंपनीज ऐसी हैं जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर होती हैं, जो कि बैंक लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है बट होल्ड जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है। इसके बाद है एमिशन गैप रिपोर्ट, यूएनईपी ही रिलीज करता है, मैंने आपको अभी बताया, रिसेंटली रिलीज किया है 14th वर्जन इसका 2023 का, जो कि ट्रैक करती है कि हमने पेरिस एग्रीमेंट में जो गोल रखा था और अभी हमारी क्या प्रोग्रेस है। देन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2023, जो कि विपो रिलीज करती है, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विपो एक ग्लोबल फोरम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज पॉलिसी और इन्फॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इसमें माइंड की क्रिएशन जैसे कि इन्वेंशन, लिटररी आर्टिस्टिक वर्क, डिजाइन, सिंबल वगैरह है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट्स जैसे इंक्लूडेड है। इसके बाद है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2023, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी बनाती है स्टॉकहोम एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह के साथ। ये क्या करती है कि गवर्नमेंट ने फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन और ग्लोबल प्रोडक्शन लेवल के बीच में जो मिसअलाइनमेंट है कि हमने ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देना, उसके लिए जो फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन और जो हमारे टारगेट है उनमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, सालाना रिपोर्ट है। 2023 की रिपोर्ट ने हेल्थ पर फोकस किया। देन है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। टीबी जो है बेसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है, जो कि मोस्टली फेफड़ों को जो है अफेक्ट करती है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि करंटली बेसिल कैल्मेट ग्यूरिन एक लाइसेंस्ड वैक्सीन है जो कि टीबी प्रिवेंशन के लिए अभी अवेलेबल है। इसके बाद एक यूएस एशिया रैंकिंग, जिसमें इंडिया की सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन रही 147 बार सिटीज के साथ, और इसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। इसमें टोटल 856 इंस्टीट्यूट लिस्ट किए गए हैं, इंडिया के 148 बार सिटीज है, इंडिया की सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है चाइना की वो टॉप मोस्ट पोजिशन पर है, IIT बॉम्बे टॉप रैंकिंग पर है इंडिया में। इसके अलावा इंडिया के 7 और इंस्टीट्यूट हैं टॉप 100 में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बैंगलोर, दिल्ली यूनिवर्सिटी और 5 IITs हैं। देन है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिलीज की है, जो कि स्टेट्स और यूटीज की फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए परफॉर्मेंस को असेस करती है। नया एक पैरामीटर इस इंडेक्स ने इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक, जिससे क्या है एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स की जो वेटेज है वो डिस्टर्ब हुई है नेचुरली। इसमें सबसे टॉप पर इस पर रहा तमिलनाडु, सेकंड पर गुजरात, थर्ड पर महाराष्ट्र। देन है यूपीआई सेफ्टी एम्बेसिडर, जो कि NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पंकज त्रिपाठी को अम्बेसिडर की तरह अपॉइंट किया है। NPCI 2008 में बनी थी, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करती है। देन है दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन लाइक रॉबोट CEO, जो कि हैंसन रॉबोटिक्स एंड डिक्टेटर एक पॉलिश रन कंपनी है जिन्होंने अपॉइंट किया है। इस CEO का नाम है मीका, जिसकी फुल फॉर्म देख सकते हो। देन है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम 2.0, जो कि 2010 में लॉन्च हुई वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई वाइल्ड टाइगर्स को बचाने के लिए। इसका इनिशिएटिव का टारगेट यही था कि जो वाइल्ड टाइगर्स की पॉपुलेशन आबादी कम हो रही है उसको रिवर्स करें और जो टाइगर्स की आबादी है उसको 2022 तक डबल कर दें। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल जो ओवरऑल टाइगर पॉपुलेशन है 60% से इंक्रीज हुई है। देन एक क्लाइमेट चेंज्ड चाइल्ड चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सप्लीमेंट रिपोर्ट, ये यूनिसेफ के द्वारा रिलीज की गई है, जिसमें वाटर स्कार्सिटी, वाटर वल्नरेबिलिटी वगैरह कंपोनेंट्स जो है वो देखे गए हैं। इसके बाद सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, ए गाइड टू मिटिगेशन एडेप्टेशन पॉलिसी एंड रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स इन एग्रीकल्चर रिपोर्ट, ये भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने जो है ये हाईलाइट की है। इसमें क्या है ग्लोबल ड्राई लैंड, इंक्रीज्ड एरिडिटी और वर्सनिंग ड्रॉट कंडीशंस वगैरह की एक्सपेंशन दिखाई गई है कि दुनिया में जो सूखी जगह है, सूखा है, ये चीजें बढ़ रही हैं। अब है स्पोर्ट्स न्यूज, सबसे पहले है 8th बैलन डी'ओर मेल कैटेगरी में मिला है अर्जेंटीना के लियोन मेसी को, जो कि एक फुटबॉलर है, और फीमेल कैटेगरी में स्पेनिश के आइटाना बोनमाटी को मिला है। लियोन मेसी को बेस्ट प्लेयर अवार्ड भी मिला है
ये क्योंकि उन्होंने 8th टाइम ये अवार्ड जीता है। आइटाना बोनमेटी इनका ये पहला बेलोन डियोर फेमिनिन था 2023 में। देन ये सचिन तेंदुलकर का स्टेचू जो लगाया गया है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, पिक्चर देख सकते हैं। इसके बाद है 2034 का फीफा वर्ल्ड कप जो है इसका होस्ट डिसाइड हुआ है जो कि है सऊदी अरेबिया। इसके अलावा 2026 में फीफा कप जो होगा अभी वहां पर तीन देशों में, नॉर्थ अमेरिका के तीन देश हैं जो कि यूएसए, मेक्सिको, कनाडा, वहां पर होगा। इसके बाद 26 के बाद जो है 2030 में होगा जो कि मोरक्को, पोर्टुगल और स्पेन होस्ट करेंगे और कुछ मैचेस अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे में भी होंगे। देन है वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023। ये क्या है, हॉकी का टूर्नामेंट था, इंडिया के रांची में हुआ था, जहां पर इंडिया की टीम ने जापान को हराकर एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो है 2023 के लिए जीती है। इसके बाद है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, क्रिकेट के साथ रिलेटेड है, जो कि पहली बार पंजाब की क्रिकेट टीम ने जीती है बड़ौदा की टीम को हराकर। डोमेस्टिक T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है जो कि BCCI ऑर्गेनाइज करती है। देन है 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप, इसके लिए फाइनल हुआ है कि बांग्लादेश 24th वर्जन जो है 2025 में होस्ट करेगा। इसका 23rd वर्जन रिसेंटली थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ भी था। देन है 37th नेशनल गेम्स जो कि रिसेंटली गोवा के पणजी में हुई है, इसमें महाराष्ट्र ने राजा बलेंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है। और 2024 में जो 38th गेम्स है वो होंगी अब उत्तराखंड में। इसके बाद है ICC हॉल ऑफ फेम, इसमें तीन प्लेयर्स के नाम जो है वो अनाउंस किए गए हैं। एक तो है इंडिया के वीरेंद्र सहवाग, एक है डियाना इडुलजी और एक है श्रीलंका के अरविंदा डी सिल्वा। इनकी पिक्चर्स आप देख सकते हैं, अरविंदा डी सिल्वा, डियाना इडुलजी और वीरेंद्र सहवाग। इन तीन एडिशन के बाद अब 112 क्रिकेटर्स हो गए जो कि ICC हॉल ऑफ फेम लिस्ट में है। और इडुलजी जो है पहली इंडियन फीमेल बनी है जिनको ICC हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है। देन है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसने रिसेंटली श्रीलंका की क्रिकेट को की मेंबरशिप को सस्पेंड किया है पॉलिटिकल इंटरफेस की वजह से, फेरेंस की वजह से। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो अंडर 19 मैच होना है नेक्स्ट, जो वर्ल्ड कप होना है, वो भी श्रीलंका से अब लेकर साउथ अफ्रीका को दे दिया गया है। नेक्स्ट वो हम डिस्कस करेंगे। ICC जो है ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की, जिसके हेडक्वार्टर्स है UAE के दुबई में। देन है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये मिला है हमारे जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जी को। ये शॉर्टलिस्ट हुए हैं और ये वन ऑफ द 5 एथलीट्स हैं जो कि 2023 के लिए इस ऑनर के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इनके अलावा और कौन कौन से हैं, 4 USA के रयान क्राउजर, स्वीडन के मोंडो डुप्लेंटिस, किनिया की केल्विन किप्टम एंड USA के नोआ लाइल्स। देन है ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो अभी 2023 में इंडिया में हुआ था, इसमें कौन विनर रहा, ऑस्ट्रेलिया। इसका फाइनल मैच हुआ था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जिसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है विराट कोहली को और सबसे ज्यादा टॉप विकेट टेकर बने हैं मोहम्मद शमी। देन है ATP फाइनल्स टाइटल जो कि नोवाक जोकोविक ने जीता है, इनका 7th ATP टाइटल था, हिस्ट्री क्रिएट की है इन्होंने। देन है ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024, मैंने आपको अभी बताया था क्योंकि श्रीलंका की मेंबरशिप जो है रिजेक्ट हुई थी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, वर्ल्ड कप भी जो है अब श्रीलंका में नहीं होगा अंडर 19 का, कहां पर होगा, साउथ अफ्रीका में। ICC ने रिसेंटली वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट से ट्रांसजेंडर प्लेयर्स को बैन कर दिया है। सो इसके साथ जो कैनेडा की डेनियल मैकगाही है जो कि पहली ट्रांसजेंडर प्लेयर थी वुमेन क्रिकेट की, वो अब नहीं खेल पाएंगी। देन है नेशनल स्क्वैश चैंपियन, इसमें इंडिया के वेलवन सेंथिल कुमार तमिलनाडु से जो बिलोंग करते हैं और अनाहत सिंह जो कि दिल्ली की है, इन्होंने ये टाइटल्स जीते हैं। अनाहत जो है ये सेकेंड एवर यंगेस्ट प्लेयर है जिन्होंने वुमेन्स टाइटल जीता है। इसके बाद है वर्ल्ड IBSF बिलियार्ड चैंपियनशिप 2023, पंकज अडवाणी ने जीता, ये भी एस इंडियनिस्ट है और ये इनका 26 वर्ल्ड टाइटल था, कतर के दोहा में हुआ था। इसके बाद है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, पहली बार हो रही है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, कहां पर होंगे, न्यू दिल्ली में 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर 2023 तक। देन है अवार्ड्स, सबसे पहले 2023 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जो कि नंदिनी दास को मिला है, इंडियन बॉर्न ऑथर है जिनकी बुक थी ये कोटिंग इंडिया,
कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड रीजन ऑफ एम्पायर, ये जो अवार्ड है ये पहले नैफ अल रुदान प्राइज के नाम से जाना जाता था। देन है ग्रामी अवार्ड 2023 एडिशन हुआ होगा ये 4 फरवरी 2024 को लॉस एंजलिस में, जहां पर सॉन्ग जो है अबंडेंस इन मिलेट्स, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी फीचर हुए हैं, जिनको फाल्गुनी शाह और उनके हस्बैंड गौरव शाह ने गाया, वो नॉमिनेट हुआ है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी के लिए। ध्यान रखना है इसका, मैं आपको वो दिखाती हूँ पोस्टर। देन है सेरेना विलियम्स, ये पहली एथलीट मिली है बनी है जिनको CFDA फैशन आइकन अवार्ड मिला है, अमेरिकन फॉर्मल प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर थी ये पहली। देन है गन समरागिनी लता मंगेशकर अवार्ड, ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने देना है, जिनके लिए सुरेश ईश्वर वडकर जी सिलेक्ट हुए हैं, ये अवार्ड उनको मिलेगा गन समरागिनी लता मंगेशकर अवार्ड कर 2023 के लिए, जिनकी आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। देन है इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023, पहली इंडियन वुमेन मिलेंगे बनी है एकता कपूर, जो कि प्रोड्यूसर भी है, इनको डायरेक्टरेट अवार्ड मिला है और ये पहली इंडियन वुमेन फिल्म मेकर बनी है जिनको इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला है, जिनकी पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन है इंटरनेशनल एमी फॉर कॉमेडी, ये मिला है वीर दास को डेरी गर्ल सीजन 3 के साथ, ये कॉमेडियन है, इनकी नेटफ्लिक्स की एक सीरीज थी वीर दास लैंडिंग, उनके लिए मिला, ये भी पहले इंडियन कॉमेडियन बने हैं जिनको ये ऑनर मिला है। इसके बाद है SRC2 भारतीय सिनेमा अवार्ड 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, जो कि मिला है माधुरी दीक्षित को, जो कि इंडियन एक्ट्रेस थी। देन मिला है दहन प्राइज फॉर प्राइज लिटरेचर, ये मिला है मोहाली बेस्ड दीप्ति बाबूता को, इनकी पिक्चर देख सकते हैं, उनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है पुख एयों सा लेंदी है हंगर ब्रीड्स लाइक दिस, ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिटररी अवार्ड है पंजाबी लैंग्वेज में। देन है फर्स्ट प्राइज फॉर बेस्ट स्टेट इन इनलैंड फिशरीज, ये मिला है यूपी को, बस ये नाम ध्यान रखना है। इसके बाद है मनोहर परिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड, ये गोवा गवर्नमेंट ने दिया है डॉक्टर मथवराज एस, जो कि यूआरआओ सैटेलाइट सेंटर ऑफ इसरो से है, इनकी पिक्चर देख सकते हैं। मिस यूनिवर्स 2023 जो है निकारागुआ देश से बनी है श्रेनी स्पेरेशियो, इनकी पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो निकारागुआ है वहां से बिलोंग करती है। ये जो इवेंट है इस बार हुआ था एल सेल्वेडोर में, जिसकी आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हो। अब बात करते हैं डिफेंस न्यूज की। सबसे पहले एक्सरसाइज पूर्वी आकाश, जो कि ईस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, सलाना कमांड लेवल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज ईस्टर्न स्काई एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज है, जहां पर ईस्टर्न एयर कमांड की क्षमता और रेडीनेस दिखाती है। इसके बाद है एक्सरसाइज काजिंद, जो कि कजाकिस्तान और इंडिया की एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज रिसेंटली कजाकिस्तान के उटार में हुई थी। इसके बाद है महाबली टग शॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन नेवी ने रिसेंटली महाबली टग शॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड कमीशन की है, जिसकी पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कुशा, इंडिया जो है अभी डिप्लॉय कर रहा है खुद का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम 2028-29 का, जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा, जो कि DRDO जो है इस पे काम कर रहा है। देन है एक्सरसाइज बोंगो सागर 23, ये इंडियन नेवी और बांग्लादेश की नेवी की एक्सरसाइज है, रिसेंटली नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में हुई है। देन है हर्मिस 900 स्टार लाइनर ड्रोन्स, ये इंडिया जो है एक्वायर करेगा कहां से, इसराइल से। इससे क्या होगा, इंडियन आर्मी की सर्विलियंस कैपेबिलिटीज नदरन बॉर्डर्स पर काफी बढ़ जाएगी। हर्मिस 900 स्टार लाइनर जो है इजरायली मेड मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं। देन है त्रिशक्ति प्रहार जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की है। इसके बाद है इनोवेशन हैंडशेक इंडिया और यूएसए का है, इसमें क्या है बायलेटरल टेक टाइज उन्होंने डीपन करनी है। इनोवेशन हैंडशेक एक कंसेप्ट है जो कि यूएस इंडिया कमर्शियल डायलॉग फॉर बेटर कोऑपरेशन इन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में डेवलप हुआ। दोनों साइड्स ने एक MOU साइन किया है एनहांसिंग इनोवेशन इकोसिस्टम के ऊपर इनोवेशन हैंडशेक के थ्रू। देन है एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2023 इंडो यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है, जो कि मेघालय के उमरोई में रिसेंटली जो है स्टार्ट हुई है, 21 नवंबर को 11 दिसंबर तक चलेगी।
पहले सूर्य किरण इसका 17th वर्जन रिसेंटली हुआ है। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और नेपाल में, जो कि इस बार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई है। ये एक साल इंडिया में होती है, एक साइड नेपाल में होती है। अब बात करते हैं मिसलेनियस न्यूज की। सबसे पहले श्री सोमनाथ ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त हुए हैं कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और पहली बार हुआ है कि जो इसके चेयरमैन है वो 5 साल के लिए चुने गए हैं, यूजुअली 1 साल के लिए चुने जाते थे। सोमनाथ टेम्पल की अगर बात करें, इसको दियोपत्तन भी बोला जाता है, हिंदू टेम्पल है, गुजरात में है, वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेट पिलग्रिमेज साइट है हिंदू के लिए, और ज्योतिर्लिंग भी है एक शिव जी का। जैसे टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है तो उनमें से एक सोमनाथ जी भी है। ये जो टेम्पल की रिकंस्ट्रक्शन है ये हमारे पहले होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा हुई थी, इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। इसके बाद है संपूर्ण एक डिजिटल लैंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है जो कोटा ने सिडबी के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया है। पहली बार एमएसएमई स्पेसिफिक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है जो कि इंडिया की ग्रोथ इंजन की स्टेट कैप्चर करेगा, जो कि हमारे देश की ग्रॉस वैल्यू एडेड में 1/4 से भी ज्यादा जो है कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इसके बाद है बीबीसी 100 वुमेन 23 लिस्ट। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली 11th एडिशन अनवील किया है बीबीसी 100 वुमेन लिस्ट का। इसमें क्या है, 4 इंडियन वुमेन है, कौन कौन सी? दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर, आरती कुमार राव और जत सुनमा तेंजिन पालमू। अब बात करते हैं ऑबिचुअरीज की। सबसे पहले है इंडिया की पहली वुमेन जो महिला सुप्रीम कोर्ट जज है, जस्टिस एम फातिमा बीवी, शी पास्ड अवे। पहली वुमेन थी जो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुई थी 1989 में, और पहली मुस्लिम वुमेन भी थी जो कि हायर जुडिशियल में अपॉइंट की गई थी, उनकी पिक्चर देख सकते हैं। देन है रोजेलिन कार्टर, ये फॉर्मल प्रेसिडेंट जो जिमी कार्टर थे उनकी वाइफ थी और एक्स फर्स्ट लेडी थी यूनाइटेड स्टेट्स की, जिनको स्टील मंगोलिया मैग्नोलिया भी बोला जाता था, इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। देन है स्लीम उल हक, ही पास्ड अवे, एक क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट प्रोफेसर थे, बांग्लादेश के ढाका में रहते थे, इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर भी थे। देन है थॉमस केनेथ मेटिंगली टू, ये एक रिनाउंड एस्ट्रोनॉट है जो कि जो अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट था जब वो डैमेज हो गया था तो उसको सेफली अर्थ पे लाने के लिए इन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले किया था, इनकी पिक्चर देख सकते हैं। इसके बाद है फ्रैंक बॉर्मन जो एक फॉर्मर यूएस एस्ट्रोनॉट ही थे, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी, पहला मैन जो मून पर ऑर्बिट मिशन गया था उसको मॉनिटर करके इन्होंने अपोलो 8 को लीड किया था, जिसकी पिक्चर देख सकते हैं। देन है डीएन घोष, एक ब्यूरोक्रेट एडमिनिस्ट्रेटर और फाइनेंशियल अथॉरिटी थी जिन्होंने इंडिया की स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने में बैंक्स को नेशनलाइज करने के लिए काफी अच्छा रोल प्ले किया था, पिक्चर देख सकते हैं। एसबीआई के चेयरमैन भी रहे हैं ये। देन है पीबी आचार्य जी, ये नागालैंड के पहले गवर्नर भी रहे हैं, इन्होंने असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के गवर्नर की तरह भी सर्व किया है, इनकी भी पिक्चर देख सकते हैं। देन है डीबी चंद्रगोपड़ा, ये कर्नाटका की असेंबली के फॉर्मर स्पीकर थे, ही पास चवे, इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। अब है इम्पोर्टेंट डे, सबसे पहले है वर्ल्ड वीगन डे, 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये 1994 में वर्ल्ड वीगन डे स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में। इसके बाद है राज उत्सव डे, 1 नवंबर को ही, इस दिन काफी स्टेट्स बनी थी। सबसे पहले है कर्नाटका, इसमें 7 इंडियन स्टेट और 2 यूटीज इस दिन फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। कौन कौन सी? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये सारी बनी थी, और यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप और पुडुचेरी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम था फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। देन है इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी, 8 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन एक्सरे जो है वो डिस्कवर हुई थी, ध्यान रखना है आपको। इस बार का थीम था सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। देन है नेशनल लीगल सर्विस डे, 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अंडर जो भी लोग लीगल एड अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री लीगल एड दी जाती है इस एक्ट के अंडर नालसा के द्वारा, उसी को कमेमोरेट करता है। देन है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, 10 नवंबर को यूनेस्को के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। इस बार का थीम था बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस, जिसमें क्या है, साइंस का क्या
इम्पोर्टेंस है वो अवेयर करना। देन है नेशनल एजुकेशन डे, 11th नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का बर्थडे होता है, ये नेशनल एजुकेशन डे है, ध्यान रखना है। देन है वर्ल्ड निमोनिया डे, 12th नवंबर को, इस दिन क्या है, लोगों को निमोनिया के बारे में अवेयर किया जाता है। इस बार का थीम था एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। देन है जवाहरलाल नेहरू जयंती या चिल्ड्रन डे, 14th नवंबर को, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे होता है इस दिन। इसके बाद है बिरसा मुंडा जयंती, जो ट्राइबल लीडर थे बिरसा मुंडा, उनका बर्थडे होता है 15th नवंबर को। इसी दिन इस साल पीवीपीवीटीजी मिशन भी लॉन्च किया गया, हमने डिस्कस किया है वीडियो के स्टार्ट में। देन है नेशनल प्रेस डे, 16 नवंबर को, फ्रीडम ऑफ प्रेस को प्रिजर्व करना इसका एम है। इसके बाद है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, 16 नवंबर को मनाया जाता है, यूनेस्को ने प्रोड्यूस किया है ये। इसके बाद है नेशनल एपिलेप्सी डे, 17th नवंबर को मनाया गया है इस पर, वैसे ये फरवरी के मनाया गया है, ये नेशनल एपिलेप्सी डे है। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे फरवरी के सेकंड मंडे को मनाया जाता है। एपिलेप्सी की डिसऑर्डर है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो भी अबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी से जिसकी वजह से लोगों की अबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी होती है। इसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट डे, 17th नवंबर को मनाया जाता है। अभी हमने नेशनल स्टूडेंट डे देखा था, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट डे है, 17 नवंबर को मनाया जाता है सभी स्टूडेंट्स को, ताकि एजुकेशन मिले। वर्ल्ड स्टूडेंट डे एक मनाया जाता है, वो 15 अक्टूबर को होता है, लास्ट मंथ हमने डिस्कस किया था एपीजे अब्दुल कलाम जी के बर्थडे पे। देन है वर्ल्ड टॉयलेट डे, 19 नवंबर को, सैनिटेशन के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। इस बार का थीम था एक्सेलरेटिंग चेंज। देन है इंटरनेशनल मेन्स डे, 19 नवंबर को मनाया जाता है, मेन की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है फैमिलीज वगैरह में, उसको कमेमोरेट करता है। इस बार का थीम था जीरो मेल सुसाइड। देन है वर्ल्ड और यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे, अभी हमने नेशनल चिल्ड्रन डे देखा था, ये वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है, 20th नवंबर को मनाया जाता है, यूनिसेफ सपोर्ट करता है। इस बार का थीम था डे इज फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। देन है नेशनल कैश्यू डे, अभी मैंने बताया था आपको कि इस दिन अपेडा ने चार और देशों को कैश्यू एक्सपोर्ट किया, 23 नवंबर को मनाया जाता है, लोगों को कैश्यू यानी कि काजू के बारे में अवेयरनेस करने के लिए। इसके बाद है लचित दिवस, 24 नवंबर को, ये अहोम किंगडम के एक लीडर थे, उनको कमेमोरेट करने के लिए, उन्होंने जो बैटल ऑफ सरायघाट में इतनी अच्छी लीडरशिप, उसको कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है, उनका बर्थडे होता है इस दिन। देन है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, 25 नवंबर को मनाया जाता है, वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस को एलिमिनेट करने के लिए। इसके बाद है 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस, ये स्पेशल डे है क्योंकि इस दिन हमारी संविधान अडॉप्ट की गई थी 1949 में। इसके बाद है नेशनल मिल्क डे, 26 नवंबर को मनाया जाता है, इस दिन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इंडियन डेयरी एसोसिएशन और 22 स्टेट लेवल मिल्क फेडरेशन ने डिसाइड किया था कि इस दिन मनाया करेंगे, क्योंकि इस दिन डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन जी का बर्थडे होता है, जो कि ऑपरेशन फ्लड के लिए भी फेमस है और जिनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है। इसके बाद है 27 नवंबर को हमारे जो सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का बर्थडे है, उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए गुरुपुरब मनाया जाता है। देन है 28th नवंबर रेड प्लैनेट डे, इस दिन जो है मराइनर 4 स्पेसक्राफ्ट जो है लॉन्च हुआ था, पहला ये स्पेसक्राफ्ट था, तो ये ध्यान रखना है। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, जहां पर आपको इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी, आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, सी यू टुमारो एट 8 o'clock, हैव अ नाइस डे।